आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसको बिठाते कैसे और निकालते कैसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए, ये गैस का जो आप लेते हो, गैस नया सिलेंडर आता है, वो आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि बहुत सारे मैं इसमें कुछ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हमें ख्याल रखना चाहिए वो भी चीज इसमें बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये आपका जो ये है ढक्कन है उसको आपको खोलना कैसे, सील आएगा इसके ऊपर, प्लास्टिक का सील आता है, वो आपको सील चेक करके लेना है। सबसे पहले जब नया सिलेंडर आता है वो प्लास्टिक का उसका निकालने के बाद में, सील निकालने के बाद में ये जो है ढक्कन उसको हमको कैसे निकालना है और रेगुलेटर को कैसे बिठाना है। तो ये देखिए वायर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वायर, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से पुल करना है। तो ये जो लाइनिंग है ये देखिए, बस ये बाहर आ गया, पुल हो गया, इसको ढक्कन को हम निकाल देंगे। जैसे ही ढक्कन को निकालेंगे ये है हमारा रेगुलेटर। इस रेगुलेटर को हम, ये देखिए अंदर आपको दिखेगा एक गोल गोल, ये गोल गोल इसके अंदर जाना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से बिठा देंगे। और ये जो आपको नीचे एक प्लेट दिख रही है उसको हम इसको ऊपर खींचेंगे, हमारी तरफ खींचेंगे इसको ऊपर, इसको ऐसे लगा के बस इसको छोड़ देना है और ऊपर से प्रेशर देना है, ऐसे खींच के ऐसे लगाएंगे तो ऊपर से आप प्रेशर देंगे और ये जो प्लेट है वो छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा सिलेंडर फिक्स। और फिर हिला के देखेंगे इसको कि ये फिक्स हुआ है कि नहीं, अगर ये हिलेगा इसका मतलब ये फिक्स नहीं हुआ है। और अगर ये आपको इसमें से कुछ भी आवाज आ रही है या ये लगाने के बाद आपको कोई गैस की स्मेल आ रही है और ऐसे करके अगर आवाज भी आ रही है तो आप क्या करना है, गैस को तुरंत ऑफ करके, ये जो नॉब है उसको तुरंत ऑफ करके, ये अभी ऑफ पोजीशन में ही है, इसको मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, तुरंत ये ऑफ करके आपको कंप्लेंट करनी है जहां से आपने गैस सिलेंडर बुक किया है वहां पे कंप्लेंट करनी है, वो लोग आके गैस को लेके चले जाएंगे। उसके बाद में आप देख लीजिए इसको इस तरीके से ऑन किया जाता है। अगर आपका ये ठीक तरह से रेगुलेटर बैठा नहीं रहेगा ये ऑन भी नहीं होगा। और गैस को ऑन करके आप देखेंगे, तो अभी मैं आपको गैस ऑन करके बताती हूँ। ये देखिए, तो जैसे आप गैस को रेगुलेटर लगा देंगे तो तुरंत आप ऑन करके देख लीजिए कि गैस ऑन हो रहा है कि नहीं। रात में सोते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप गैस को ऑफ करके सोए, तो ये ऑन पोजीशन में है, तो बस इस तरीके से आपको ये नॉब को घुमा देना है और गैस ऑफ हो गया। और अगर आप किधर बाहर जाते हो तो भी जरूर इसको ऑफ करके जाइए, तो मैंने आपको दिखाया ऑफ ऑन कैसे होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपका गैस खत्म हो जाता है तब क्या करना है। उस केस में अगर आपको लगता है गैस खत्म हो गया आपका, तो क्या करेंगे, नॉब को सबसे पहले ऑफ कर देंगे। और इसको निकालना कैसे है रेगुलेटर को, ये देखिए, ये जो प्लेट है इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींच लिया, बस ये निकल जाता है रेगुलेटर। और ये जो नॉब मैंने आपको शुरू में बताया, तुरंत आप जैसे ही रेगुलेटर निकालेंगे, अगर आपका गैस खत्म भी हो जाता है तो भी आपको ये लगा के रखना है। सपोज अगर आप थोड़ा सा भी गैस बचा होगा तो यहां से लीक होने का चांसेस है, तो इसके लिए जैसे ही आप निकाल दोगे ये तुरंत आप लगा दीजिए, ऊपर से प्रेशर देके इसको प्रेस करेंगे और ये बंद हो गया। तो जैसे आपका गैस खत्म भी हो जाता है ये नॉब जरूर आपको लगा के ही रखना है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।